मैं शाह ने वेलकमिंग यू ऑन बिहाफ ऑफ zameen.com। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कायद आजम इंटरचेंज पे और मेरे पीछे आप देख रहे हैं रिंग रोड लाहौर, जो कि आपको कनेक्ट करती है मोटरवे से। आज जिस प्रॉपर्टी का हम टूर करने जा रहे हैं वो रिंग रोड पे लोकेटेड ईस्टर्न हाउसिंग का है, जो कि प्रोजेक्ट है मैस ग्रुप का। तो आइए चलते हैं अपनी लोकेशन की तरफ और देखते हैं कि ये सोसाइटी हमें क्या क्या ऑफर कर रही है। इस वक्त हम आ चुके हैं कायद आजम इंटरचेंज से 0.5 किलोमीटर अवे इस इन एंड आउट रास्ते पे, जो कि आपको लिंक करती है ईस्टर्न हाउसिंग सोसाइटी के साथ थ्रू द सर्विस रोड। तो आइए चलते हैं अपने टूर की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं कि ईस्टर्न हाउसिंग सोसाइटी हमें क्या क्या ऑफर कर रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ईस्टर्न हाउसिंग की सेकंड एंट्रेंस के बाहर, जिसको नाम दिया गया है बाबे खास का, और ये आने वाले वक्तों में बहुत ही खूबसूरत एंट्रेंस बनेगी। और फिलहाल ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ईस्टर्न हाउसिंग सोसाइटी के 3 बेसिक फंडामेंटल्स हैं: स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज एंड एमेनिटीज डिजाइन एट पर विद ग्लोबल प्रेफरेंसेस। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कि इसको भी प्रॉपर प्लान किया गया है टू इंश्योर द लाइफ पैटर्न यू विश। अब मैं आ चुकी हूँ बाबे खास के मेन बुलेवार्ड पे, जो कि आपको कनेक्ट करता है ईस्टर्न हाउसिंग के कॉर्पोरेट ऑफिस के साथ। उसके साथ साथ ये मेन बुलेवार्ड आपको कनेक्ट करता है इस पूरी सोसाइटी की साइड बाय साइड 30 फीट वाइड रोड्स के साथ भी। उसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि ईस्टर्न हाउसिंग प्रोजेक्ट है मैस ग्रुप वालों का, एंड मैस ग्रुप इज़ वन ऑफ द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन इन रियल स्टेट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, एंड दे प्रोवाइड वन स्टॉप शॉप सोल्यूशन टू देयर क्लाइंट्स अकॉर्डिंग टू बोथ देयर ब्रीफ एंड बजट। ईस्टर्न हाउसिंग के 4 ब्लॉक्स हैं: बाबर ब्लॉक, तुर्क ब्लॉक, मुगल ब्लॉक और उसके साथ साथ गजनेवी ब्लॉक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ईस्टर्न हाउसिंग के रेजिडेंशियल एरिया में, जहाँ पे आपको 2, 3, 4 और 5 मरला के प्लॉट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और इनकी मिनिमम स्टार्टिंग प्राइस 22 लाख रुपीज़ है, और इनका इंस्टॉलमेंट प्लान 1 ईयर का है, जिसमें 30% डाउन पेमेंट है और पोजेशन आपको 50% पे दिया जाएगा। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ईस्टर्न हाउसिंग का एक यूनिक प्लान, जिसमें शामिल है 2 मल्ला के डबल स्टोरी स्मार्ट हाउसेज, और इनको नाम दिया गया है पोलो एंड नैनो स्टार स्मार्ट हाउसेज, और इनकी कंस्ट्रक्शन काफी तेजी से जारी है और इंशाल्लाह कुछ ही वक्त में इनकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ईस्टर्न हाउसिंग वाले आपको 2, 3 एंड 5 मरला के स्मार्ट हाउसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनमें 3 बेडरूम्स विद अटैच बाथरूम, 2 ओपन किचन्स, उसके साथ साथ टीवी लाउंज और डाइनिंग एरिया भी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ईस्टर्न हाउसिंग सोसाइटी के ग्रैंड एंट्रेंस पे, जिसको बाबा मशरक का नाम दिया गया है। फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन और आने वाले कुछ ही वक्त में ये ग्रैंड एंट्रेंस कंप्लीट हो जाएगी। इसका मेन बुलेवार्ड 140 फीट वाइड है, और इस सारे बुलेवार्ड पे आपको मिलेगा कमर्शियल एरिया। बाबा मशरक के कमर्शियल एरिया को एक प्रॉपरली नाम दिया गया है, जो कि है एम अनवर एवेन्यू में आपको मिलेगा हॉस्पिटल, जिसमें काफ़ी क्वालिफाइड डॉक्टर्स होंगे। उसके साथ साथ 50 बेड्स का वो हॉस्पिटल होगा। उसके अलावा इसमें आपको अच्छे स्टैंडर्ड का स्कूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और लाइब्रेरी भी दी जाएगी। उसके साथ साथ बाबे मशरक आपको एक्सेस देती है सुपर हाईवे रोड लाहौर की। उसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि बाबे मशरक के मेन बुलेवार्ड से आपको एक्सेस है इसके रेजिडेंशियल एरिया की। और इस वक्त मौजूद हूँ तुर्क ब्लॉक में ज़रार पार्क के सामने, जो कि एक जू बनने वाला है इंशाल्लाह बहुत जल्द। और इस जू में काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के एनिमल रखे जाएंगे बच्चों की इंटरटेनमेंट के लिए। इसकी कंस्ट्रक्शन इंशाल्लाह बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, जो कि काफ़ी तेज़ी से होगी, और इसको आने वाले कुछ ही वक्त में कम्प्लीट कर दिया जाएगा। Amenities play a great role while we're choosing a place to live with our family. एक स्टैंडर्ड लग्जरी लिविंग लाइफ स्टाइल को देखते हुए ईस्टर्न हाउसिंग सोसाइटी आपको दे रही है एक खूबसूरत ग्रैंड मॉस, जिसका नाम मस्जिद इब्राहिमी रखा गया है। इस मस्जिद में बआसानी 100 से 150 लोग अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। उसके साथ साथ मस्जिद अल्लाह का घर है, और ये मुस्लिम कम्यूनिटी को इकट्ठा करती है फॉर द वेल बींग ऑफ सोसाइटी एंड इस्लाम। ईस्टर्न हाउसिंग सोसाइटी का कवर्ड एरिया 400 कनाल है, और इसके हर ब्लॉक में एक पार्क दिया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक पार्क में, जिसका नाम गुलशन-ए-ज़िमल है, और ये काफ़ी खूबसूरत पार्क बनाया गया है इसकी ग्रीनरी की वजह से।
इसमें आपको एक जॉगिंग ट्रैक भी मिलेगा जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हैं। ईस्टर्न हाउसिंग सोसाइटी 24/7 गेटेड कम्युनिटी है जहाँ पे कोई भी स्ट्रेंजर या रैंडम पर्सन बगैर अपनी वेरिफिकेशन के एंटर नहीं हो सकता। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ईस्टर्न हाउसिंग का डीलर्स हब, यहाँ से भी आपको ईस्टर्न हाउसिंग के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अब मैं मौजूद हूँ ईस्टर्न हाउसिंग के कॉर्पोरेट ऑफिस के बाहर, तो आइए चलते हैं इस ऑफिस के अंदर, इसको विजिट करते हैं। उसके साथ साथ मैस ग्रुप के CEO मियां अब्दुल समद से बात करते हैं और ईस्टर्न हाउसिंग सोसाइटी के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो आइए चलिए। हमारा इस इंडस्ट्री से, शहर साजी की जो इंडस्ट्री है, सनत है, इससे गुज़श्ता 40 साल ताल्लुक है। लाइक ये हमारा एक फैमिली का बिज़नेस था जिसको हम लोग अभी ईस्टर्न हाउसिंग के ब्रांड के नीचे कवर करके चला रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने डिफरेंट टेन्योर्स में इस इंडस्ट्री के लिए डिफरेंट तरीके से खिदमत सर अंजाम दी। टाउन प्लानिंग कंसल्टेंसी से लेके मैनेजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में, लाइक जैसे अगर हम जिक्र करें पार्क व्यू का, तो वी वर कंसल्टेंट ओवर देयर बैक इन 2006 to 2010। इसी तरह DHA के साथ भी हम लोग वाबस्ता रहे थे कंसल्टेंट, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जितने वहाँ पर बने Phase 5 में, Phase 4 में, XXX ब्लॉक के अंदर टर्न की प्रोजेक्ट के तौर पे उसको हमने अडॉप्ट किया। लाइक बिल्ड भी हमने किया, डिज़ाइन भी हमने किया उसको, तो कुछ अर्सा ऑपरेट भी हमने किया। इसी तरह फिरोजपुर रोड पे पार्क अरब हाउसिंग स्कीम, वहाँ पर हम एज ए कंसल्टेंट अटैच रहे। न्यू लाहौर सिटी में कुछ हमने काम किया, इस्लामाबाद में काम किया। इसके अलावा हमने इंटरनेशनली भी हमने कुछ काम किया, जिस तरह मस्कत में, सल्तनत ओमान में एक शहर है वो डेवलप हो रहा था, उसकी टाउन प्लानिंग। इस तरह आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक के कुछ प्रोजेक्ट्स थे, शहरों के मास्टर प्लान थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा हमने एक्सपीरियंस किया उसके अंदर, लाइक नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। फिर इस एक्सपीरियंस को गैदर करने के बाद हम इस नतीजे पहुँचे कि वाई डोंट वी स्टार्ट अवर ओन प्रोजेक्ट। हमने अपना ब्रांड लॉन्च किया जिसको हम ईस्टर्न हाउसिंग कहते हैं। और इस ब्रांड को लॉन्च करने का मकसद था कि हम लोग सेल्फ सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें सोसाइटीज़ के लिए। लाइक हमारा जो कोर आप बिज़नेस मॉडल, वो टारगेट करता है उस ऑडियंस को जो फौरी तौर पे अपने घर की ज़रूरत को रखती हैं, और उसी सेगमेंट को हम एड्रेस कर रहे हैं। लाइक हमारे सेगमेंटेशन में मिडिल क्लास एंड अपर, जो लोअर अपर क्लास आती है, हम उस सेगमेंट के अंदर सेल्फ सस्टेनेबल सोसाइटीज़, हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स या अपार्टमेंट बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। पाकिस्तान के इस्तेमाल माशाल्लाह 2 शहरों के अंदर हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। हमारा जो ख्वाब था वो एक टारगेटाइज्ड वॉल्यूम को एड्रेस करने का था, तो हमने एक टारगेट अडॉप्ट किया कि हमने 2025 तक, जिसको हम प्लान M2025 कहते हैं, 2025 तक हमने 1 लाख फैमिलीज़ को एड्रेस करने। इस सारी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने ईस्ट पार्ट ऑफ द लाहौर इसको सिलेक्ट किया, जबकि अगर नॉर्मल देखा जाए तो लोग रायवन रोड की तरफ बड़ा एक्सटेंड कर गए, फिरोजपुर रोड की तरफ बड़ा एक्सटेंड कर गए। ये बिल्कुल रिंग रोड के अंदर सिटी लॉक था एट द ईस्ट पार्ट। अब यहाँ पर रावी फ्रंट सिटी डेवलप होना स्टार्ट हुआ, लेकिन जब हम इस एरिया की सिलेक्शन कर रहे थे, इट इज़ प्रॉपरली बाउंड्री रिंग रोड की लगी हुई थी, और उसकी रिंग रोड की अपना ऑन द अपोजिट साइड आपको एक तरफ डेंस एरिया नज़र आएगा अगर आप गूगल अर्थ के ऊपर इस वसीनिटी को स्टडी करें। एंड अपोजिट टू दैट वेकेंट है, प्रॉपर ग्रीन लैंड और ओपन लैंड्स पड़ी हुई है। तो वी फील लाइक यार, ये दिस इज़ अ स्पॉट जहाँ पर एक अच्छी खूबसूरत कम्युनिटी आप बना सकते हैं, स्पेशली ईस्ट पार्ट पे रहने वाले लोगों के लिए जो ओवरली डेंस्ड एरिया के अंदर रह रहे हैं, और आप उनको मॉडर्नाइज फैसिलिटी प्रोवाइड करें, बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करें और फ्यूचरिस्टिक फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करें। हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को 2016 के अंदर कंसीव करना स्टार्ट किया, 17 मिड में हमने इसको लॉन्च किया, एंड नाउ वी आर इन स्टार्ट ऑफ 2021। और 1 साल आप देख सकते हैं कि पीछे बैकलॉग रहा है, सारा इंडस्ट्री ऑफ रही है, 1 साल कोई काम शाम नहीं हुए, पेंडेमिक था, उसके बावजूद भी अगर हम इस 3 ईयर्स को या 4 ईयर्स को रखें, 3.5 सालों को, तो ये 2.5 साल बनते हैं। ये पिछला 1 साल तो हम निकाल दें, उसके अंदर भी आप आके अगर सोसाइटी की विज़िट करें तो देखें हमने डिलीवरेंस अपनी 2 ब्लॉक्स ही कर दी है। हमने लोगों को यहाँ मोटिवेट किया कि आप आएँ या आप अपने घर बनाएं या रहना शुरू करें। हम लोगों ने उनकी ईयरली जो डेली नीड लाइक ग्रॉसरीज हैं,
वी आर इनटू दैट बिजनेस कि हम अपने रहने वाले लोगों को जो हमारी सोसाइटीज़ के अंदर रहें उनको एट पार प्राइम क्वालिटी वाली चीज़ विद कंट्रोल रेट्स लाइक ईटेबल्स जो हैं वो उनके घरों तक पहुँचाएँ थ्रू स्मार्ट वर्किंग लाइक वी आर डेवलपिंग एन एप्लीकेशन फॉर द रेजिडेंट कि आप घर बैठ के अपनी ग्रॉसरी ऑर्डर करें. यू जस्ट पुट एन ऑर्डर, आप रात को अपना ऑर्डर पुट कर दें, सुबह पे घर डिलीवर हुआ होगा. यू नीड प्लम्बर एट योर हाउस, यू जस्ट कॉल द प्लम्बर थ्रू द एप्लीकेशन. यू नीड इलेक्ट्रीशियन, यू नीड वट एवर यू नीड, देर इज़ अ एप्लीकेशन जिसको हम नाम बोलते हैं मैसेट. एनी प्रॉब्लम यू हैव इन योर रेगुलर लाइफ जस्ट मैसेट. आपको ग्रॉसरीज चाहिए, आपको प्लम्बर चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, लेकिन हम ये करेंगे सिर्फ बाउंडेड एरिया के अंदर फॉर द कम्युनिटी. मैं एक स्पेशल मैसेज जो हमारे सार्फीन हैं या हमारे बनने वाले सार्फीन को देना चाहूँगा कि ये एक ईस्टर्न सिर्फ एक कोई ब्रांड या कोई एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, इट्स अ होल लाइफस्टाइल एंड आई वांट यू गाइस टू बी अ पार्ट ऑफ दिस लाइफस्टाइल. क्योंकि इसके अंदर ना सिर्फ आपकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखा गया है बल्कि आने वाले दौर की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी मद्देनज़र रखा गया है. तो आई बिलीव हम कलेबरेट अगर आपस में करें आप लोग और हम लोग तो हम एक अच्छे निज़ाम को जन्म दे सकते हैं और इसको अच्छे तरीके से लेकर चल सकते हैं जो कि हमारे पाकिस्तान के लिए, आपके लिए, इस इदारे के लिए, सब के लिए बहुत ज़रूरी है. अल्लाह मियाँ आपको हमें इस मकसद में कामयाब करें. थैंक यू. इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऑरेंज लाइन के सबसे पहले स्टेशन डेरा गुजरा के बाहर. ये ऑरेंज लाइन आपको कनेक्ट करती है थ्रू आउट होकर न्यास ब्रेक से. ये स्टेशन हमारी लोकेशन ईस्टर्न हाउसिंग से 2 मिनट के फासले पर है. इस वक्त मैं मौजूद हूँ जीटी रोड पे लोकेटेड तहसील हेडक्वार्टर मनावा हॉस्पिटल के बाहर जो कि 100 बेड्स पर मुश्तमिल है और ये हमारी लोकेशन ईस्टर्न हाउसिंग से 5 मिनट्स अवे है. ये है नॉर्थ साउथ मोटरवे इन पंजाब लाहौर सियालकोट मोटरवे विच कनेक्ट सियालकोट टू लाहौर वाया ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द पंजाब. द टोटल लेंथ ऑफ दिस मोटरवे इज 103 किलोमीटर्स एंड इट वॉज ओपन इन 18 मार्च 2020 और ये मोटरवे हमारी लोकेशन ईस्टर्न हाउसिंग से 4 मिनट्स अवे है. और आज का हमारा इस लग्जरी लिविंग सेंटर सोसाइटी का टूर यहीं ख़त्म होता है. उम्मीद करती हूँ ये टूर आपको पसंद आएगा. इस प्रॉपर्टी के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेने के लिए zameen.com की वेबसाइट पर जाकर न्यू प्रोजेक्ट्स में से ईस्टर्न हाउसिंग से आसानी से हासिल की जा सकती है. हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, उसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें. उसके अलावा zameen.com के दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करना मत भूलिएगा. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी. सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम.